हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में आज की मैं इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के मार्सिलिया की लाइफ साइकिल के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेके आया हूं। और यह है वीडियो है मार्सिलिया प्लांट के जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। मार्सिलिया के स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड्स और स्पोर्स के द्वारा होता है। वेजिटेटिव मोड्स से किस प्रकार से होता है और स्पोर्स के द्वारा किस प्रकार से होता है, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम आगे लेंगे। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्सिलिया के अंदर रिप्रोडक्शन की। मार्सिलिया के अंदर रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एक तो वेजिटेटिव मेथड्स के जरिए और दूसरा स्पोर्स के जरिए। वेजिटेटिव मेथड्स के जरिए मार्सिलिया के जो राइजोम होते हैं उनके जो नॉड होते हैं उस नॉड के नीचे की तरफ विशेष स्टार्स फील्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं ड्राई कंडीशंस के अंदर, जिन्हें ट्यूबर्स के नाम से जानते हैं। इन ट्यूबर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फूड अकुमुलेट होता है और ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उनको टाइड और कर देती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं वैसे ही इनका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने से इनसे नया प्लांट का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल मार्सिलिया हिरसुटा में, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया में। इसी के साथ में दूसरा रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसे बाई स्पोर्स के नाम से या बीजाणुओं के नाम से जाना जाता है। स्पोर्स का निर्माण इसके स्पोरोफाइट में होता है, और स्पोरोफाइट में होता है इस कारण से इसे स्पोरोफिटिक फेज या स्पोरोफिटिक जनरेशन के नाम से जाना गया है। मार्सिलिया के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ये स्पेसिफिक प्रकार का होता है जिसे स्पोरोकार्प के नाम से जाना जाता है। इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसी कारण से इसे हेट्रोस्पोरस कहा है। ये दोनों प्रकार के जो बीजाणु होते हैं ये साइज में अनइक्वल होते हैं, एक को माइक्रोस्पोर और दूसरे को मेगास्पोर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजिया एज वेल एज मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ये जो बीजाणु धानियां होती हैं ये बीजाणु धानियां स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम स्पोरोकार्प के नाम से जानते हैं, बीजाणु फलिका के नाम से जानते हैं। ये जो स्पोरोकार्प होता है ये स्पोरोकार्प मेनली जो लीफ होती है और लीफ का जो पीटियोल होता है, पर्णव्रंथ होता है, उस पर्णव्रंथ के नीचे की तरफ या बेस के ऊपर इस प्रकार की ये बीजाणु फलिकाएं बनती हैं। ये बीजाणु फलिकाएं जिस जगह पर बनती हैं उस जगह को पीटियोल के ऊपर तो बनती हैं, या जिस जगह से ये अटैच्ड होती हैं उस जगह को पिडंकल या पेडिसल के नाम से जानते हैं। ये बीजाणु फलिकाएं उस पीटियोल के ऊपर अकेली सॉलिटरी बनती हैं या फिर ग्रुप्स में क्लस्टर्स के अंदर बनती हैं। ये जो पिडंकल होते हैं जनरली अनब्रांच्ड होते हैं, कुछ केसेस में ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस पीटियोल के ऊपर नंबर ऑफ जो स्पोरोकार्प हैं उनकी संख्या स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। इनकी संख्या 1 से 20 तक या 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मार्सिलिया वेस्टिटा के अंदर बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक स्पोरोकार्प बनता है। मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया के अंदर बात करें तो पिडंकल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है जिसके ऊपर 2 से लेकर के 4 तक स्पोरोकार्प बनते हैं। ऐसे मार्सिलिया पॉलीकार्पा के अंदर बहुत सारे स्पोरोकार्प्स बनते हैं जो एक कतार के अंदर लाइनियर रो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोरोकार्प होते हैं ये स्पोरोकार्प पीटियोल से किस प्रकार से अटैच्ड रहते हैं या पेडिसल से किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं ये भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। मेनली इनका जो अटैचमेंट होता है ये 3 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू गुप्ता 1962। जैसे विशेष रूप से हम बात करें मार्सिलिया कोरोमंडलिका की, मार्सिलिया कोरोमंडलिका के अंदर जो पेडिसल होता है उसके ऊपर सिर्फ अकेला एक स्पोरोकार्प बनता है, यह पीटियोल के बेस पर डायरेक्टली अटैच्ड रहता है।
और कुछ केसेज के अंदर जैसे मार्सिलिया पोलीकार्पा की बात करें तो इस मार्सिलिया पोलीकार्पा का जो पीटियोल होता है उसके ऊपर बहुत सारे स्पोरोकार्प एक साथ अटैच रहते हैं, और ये स्पोरोकार्प एक लाइनियर ऑर्डर में या रेखीय क्रम के अंदर अरेंज रहते हैं। इसी प्रकार से मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया की बात करें तो इसके पेडिसल के ऊपर बहुत सारे स्पोरोकार्प प्रेजेंट होते हैं, और ये पहले आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके सामूहिक पेडिसल बना लेते हैं, और फिर ये पीटियोल के साथ में ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं। ऐसे ही मार्सिलिया माइन्यूटा की जो स्पीसीज है उसके अंदर जो स्पोरोकार्प्स होते हैं वो बहुत सारे स्पोरोकार्प्स होते हैं वो पेडिसल से जुड़े हुए रहते हैं, या तो फ्री रहते हैं या स्लाइटली अटैच रहते हैं या यूनाइटेड रहते हैं पीटियोल से, सिंगल पॉइंट से। आप इसको डायग्रामेटिकली रूप में देखें तो जैसे मार्सिलिया कोरोमंडली का के केस में सिर्फ एक ही स्पोरोकार्प है और यहाँ पर ये पीटियोल के बेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मार्सिलिया पोलिकार्पा के अंदर अनेक स्पोरोकार्प हैं जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक लाइनियर ऑर्डर में रेखीय क्रम के अंदर अरेंज्ड हैं। ऐसे जैसे मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया के अंदर तीन स्पोरोकार्प हैं और तीनों सामूहिक रूप से इसके पीटियोल से जुड़े हुए रहे हैं और इनके पिडंकल एक साथ अटैच्ड हो जा रहे हैं। ऐसे मार्सिलिया माइन्यूटा के अंदर तीनों स्पोरोकार्प एक ही पॉइंट से अराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनका जो अटैचमेंट है ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है स्पोरोकार्प का। मेनली जो स्पोरोकार्प होता है इस स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसकी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है। यदि हर एक स्पोरोकार्प को देखें तो वह ओवल शेप्ड होता है, अंडाकार होता है, या बीन शेप्ड होता है, बाई कॉन्वेक्स प्रकार का होता है, जो फ्लैटन्ड चपटा होता है। और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं सियामोप्सिस टेट्रागोनालोबा, जिसे आप गंवार के नाम से जानते हैं, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। गंवार का जो दाना होता है गंवार की फली के अंदर सेम उससे मिलता जुलता है। उस दाने के ऊपर एक छोटा सा व्रंत दिखाई नहीं देता है, इसके ऊपर व्रंत जैसी स्ट्रक्चर है, तो लगभग उससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्पोरोकार्प होता है शुरू के अंदर ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी होती है वैसे ये हार्ड हो जाता है और कलर के अंदर ब्राउन हो जाता है, और इससे एक छोटा सा स्टाक निकलता है जिसे पिडंकल के नाम से जानते हैं, और इसकी बॉडी से ये स्टाक ऐसे कैसे जुड़ा रहता है। इसकी बॉडी से जहाँ पर पिडंकल जुड़ाव रहता है उस जगह पर एक निशान बन जाता है, इस निशान को रेफी के नाम से जानते हैं, और इस रेफी के ऊपर से एक या दो विशेष प्रकार की आउट ग्रोथ निकलती हैं जिन्हें प्रो ट्यूबरेंस के नाम से जानते हैं, और इन्हें ट्यूबरकल्स के नाम से भी जाना गया है। ये जो प्रो ट्यूबरेंस होते हैं या ट्यूबरकल्स होते हैं साइज के अंदर अनइक्वल होते हैं, नीचे की तरफ होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है और ऊपर की तरफ होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। कुछ केसेस के अंदर जैसे मार्सिलिया पोलीकार्पा की बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार की ट्यूबरकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। यदि आप पे हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, डायग्रामेटिकली बात करें किस प्रकार का ये होता है तो उस रूप में ये जैसे इसका स्टाक है, ये स्टाक है, और इस स्टाक के साथ में ये इसकी बॉडी है, और इसके साथ में ये दो आउट ग्रोथ हैं। ये एक स्पोरो कार्प है, और इस स्पोरोकार्प की यह पोर्शन जिसे हम बॉडी के नाम से जानते हैं और यह पोर्शन जिसे हम स्टाक या पिडंकल के नाम से जानते हैं, और ये इसके अंदर दो आउट ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, इन आउट ग्रोथ को ट्यूबरकल्स के नाम से जानते हैं, और इस जगह पर ये यहाँ पर अटैचमेंट है, इस जगह पर, इस जगह को यहाँ पर रेफी के नाम से जाना गया है। तो ऐसा एक सिंगल स्पोरोकार्प इसके अंदर देखने को मिलता है, सभी स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर इस रूप में दिखाई देती है। इस तरह से आप इस
स्पोरोकार्प के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। मैच्योर जो स्पोरोकार्प होता है उस की सबसे बाहर की तरफ भित्ती होती है, जिसे वाल ऑफ स्पोरोकार्प के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत हार्ड होती है, मोटी होती है और ये काफ़ी रजिस्टेंट होती है, किसी भी यांत्रिक शक्ति से अपने आप को बचाती है। इस स्पोरोकार्प की जो वाल होती है ये तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, एपिडर्मिस के रूप में, हाइपोडर्मिस के रूप में और पैरेन्काइमेटस जोन के रूप में। एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ होती है, हाइपोडर्मिस बीच में होती है और पैरेन्काइमेटस जोन अंदर की तरफ होता है। इसकी जो एपिडर्मिस होती है ये मेनली सिंगल लेड होती है और इसकी जो सेल्स होती हैं ये कॉलोमनर या छड़ाकार होती हैं। इनके अंदर सनकन स्टोमेटा होते हैं, दसेव स्टोमेटा होते हैं, जो इसकी लीफी नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके ऊपर मल्टी सेलर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है जिसमें दो लेयर्स होती हैं और इसकी जो सेल्स होती हैं रेडियली इलोंगेटेड होती हैं और इसकी सेल्स ठीक उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से लीफ के अंदर पेलीसेड सेल्स होती हैं। इन लेयर्स के नीचे की तरफ इंटरसेलुलर सेल्स या स्पेसीज नहीं होते हैं और इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसके नीचे पैरेन्काइमेटस जोन होता है। इस पैरेन्काइमेटस जोन को यदि मैच्योर स्पोरोकार्प में देखें तो इस जोन की जो सेल्स होती हैं वे जिलेटिनाइज्ड हो जाती हैं और इससे जिलेटिनस रिंग बनती है। इस जिलेटिनस रिंग का मुख्य कार्य है जब स्पोरोकार्प जब भ्रष्ट होता है तो उसे स्फुटन के अंदर या डहीसेंस के अंदर हेल्प करना होता है। इस स्पोरोकार्प की अभी आप स्ट्रक्चर देखें, ये एक स्पोरोकार्प है जिसमें स्टाक अभी हमने बताया था आपको, ये ट्यूबरकल्स हैं और ये बॉडी है और इस जगह पर इसका रेफी है। इसकी वाल को आप आउटलाइन डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है जिसमें सनकन स्टोमेटा है, फिर यहाँ पर एक दो ये कतार हाइपोडर्मिस की हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और नीचे की तरफ इसकी जिलेटिनस रिंग है या पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। इस एपिडर्मिस में इस प्रकार के हेयर्स हैं, मल्टीसेलुलर हेयर्स जो एपिडर्मिस से अराइज होते हैं और इसके एपिडर्मिस में इस प्रकार के सनकन स्टोमेटा को आप देख सकते हैं। इसका सेलुलर डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर ये पेलीसेड लाइक सेल्स हाइपोडर्मिस की हैं फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर और अंदर की तरफ पैरेन्काइमेटस रीजन है। तो इस रूप में आप इसकी स्पोरोकार्प की जो वाल है उसको अंदर से आप देख सकते हैं। इस स्पोरोकार्प वाल के अंदर की तरफ स्पोरोकार्प में कैविटी होती है, गुहिका होती है, जिसे स्पोरोकार्प की कैविटी के नाम से जानते हैं। इस स्पोरोकार्प की कैविटी के अंदर इंडेफिनेट सोराई होते हैं, सोराई मीन्स बीजाणु धानियों के बहुत सारे समूह होते हैं। ये बीजाणु धानियों के समूह एकांतरित क्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बीजाणु धानियों के एक समूह को यदि सिंगुलर रूप में बात करें तो इसे सोरस के नाम से जाना जाता है और जब बीजाणु धानियां समूह के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो उसे सोराई के नाम से जानते हैं। और ये जो बीजाणु धानियां होती हैं एकांतरित क्रम के अंदर तो प्रेजेंट होती होती हैं और ये नीचे की तरफ लॉन्ग एक्सिस जो स्पोरोकार्प होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस स्पोरोकार्प के अंदर जो नंबर ऑफ सोराई हैं ये स्पीशीज टू स्पीशीज वरी करती हैं। जैसे हम बात करें मार्सिलिया इजिप्टिका के अंदर सिर्फ दो ही सोरस होती हैं, मार्सिलिया वेस्टिटा के अंदर बात करें तो अराउंड 20 सोरस प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो सोरस होता है उस सोरस के अंदर माइक्रोस्पोरिंजिया प्रेजेंट होती हैं एंड मेगास्पोरिंजिया प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो संख्या है ये संख्या भी स्पीशीज टू स्पीशीज वरी करती है। मार्सिलिया माइनोटा की बात करें तो इसके एक सोरस के अंदर 4 से लेकर के 8 तक मेगास्पोरिंजिया होती हैं और 8 से लेकर 13 तक माइक्रोस्पोरिंजिया होती हैं। ऐसे ही मार्सिलिया इजिप्टिका की बात करें तो उसके एक सोरस के अंदर 5 से लेकर के 16 तक मेगास्पोरिंजिया होती हैं और 9 से लेकर के 19 तक माइक्रोस्पोरिंजिया होती हैं। ऐसे ही मार्सिलिया माइनोटा, मार्सिलिया वेस्टिटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस इनके अंदर मेगास्पोरिंजिया होती ही नहीं है, सोरस के अंदर एब्सेंट होती हैं। हर एक जो सोरस होता है ये हर एक सोरस एक स्वॉलन रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लोसेंटा या रिसेप्टेकल के नाम से जानते हैं, उससे उत्पन्न होता है जो
उस स्पोरोकार्प की वाल से बनता है, और हर एक जो सोरस होता है चारों तरफ से एक पतली मेम्ब्रेनस द्विस्तरीय लेयर से घिरा हुआ रहता है। इस लेयर को इंडूशियम के नाम से जानते हैं या बीजाणु छद के नाम से जानते हैं। इससे वास्तविक इंडूशियम कहते हैं या ट्रू इंडूशियम कहते हैं। इसी प्रकार से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आगे हम देखें तो इस स्पोरोकार्प के अंदर की तरफ वेस्कुलर सप्लाई देने के लिए, जल और खाद्य पदार्थों को संवहन करने के लिए स्पेसिफिक प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो इसका जैसे ये स्टाक है, इस स्टाक के थ्रू इसकी वेस्कुलर सप्लाई एंटर होती है। ये स्टाक पीट्यूल से जुड़ा हुआ रहता है और इस पीट्यूल से एक विशेष वेस्कुलर बंडल निकलता है जिसे मेन डोर्सल वेन के नाम से जानते हैं या इसे स्टाक बंडल के नाम से भी जानते हैं। ये इस डोर्सल वेन से निकलता है और इसे लेटरल ब्रांच, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये एकांतरित क्रम के अंदर लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और ये लेटरल वेन्स फर्दर डिवाइड होती हैं। आप नीचे देख सकते हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं, द्विभाजित होती हैं, और हर एक जो लेटरल वेन्स होती हैं अगेन उनके अंदर फोर्किंग होता है, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्किंग होता है और इनसे प्लेसेंटल बंडल अराइज होता है जिसकी दो ब्रांचेज निकलती हैं डाइकोटोमसली। इस प्रकार से आप इसकी वेस्कुलर सप्लाई को देखें तो ये डोर्सल बंडल या स्टाक बंडल, और इसके अंदर आकर के ये डोर्सल बंडल ऐसे निकल जाता है और नीचे की तरफ डाइकोटोमी, फिर अगेन डाइकोटोमी, फिर अगेन डाइकोटोमी, फिर फोर्किंग, फिर प्लेसेंटल बंडल इस जगह पर, और इस प्लेसेंटल बंडल से ही बीजाणु धानियों को या जो सोरस है उसे वेस्कुलर सप्लाई मिलती है। इस प्रकार से एंटायर यदि स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक ही सेक्शन से हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। स्पोरोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए तीन प्रकार से हमें सेक्शन काटने होते हैं और तीनों प्रकार से सेक्शन काट करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये सेक्शन की स्टडी आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर भी इसकी स्टडी है। इसमें तीन प्रकार के जो सेक्शन हैं, जनरली हम किसी एक्सिस का सेक्शन काटते हैं तो ऐसे सेक्शन काटते हैं इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, और ऐसे सेक्शन काटते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो स्पोरोकार्प है, मान लीजिए मैं पीटियोल हूँ और इस पीटियोल से इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है तो इसके सेक्शन किस किस प्रकार से कट सकते हैं, उसमें तीन पोर्शन बनते हैं। यदि इस स्पोरोकार्प को हम ऐसे सेक्शन काटते हैं तो इसे HLS कहते हैं, ऐसे सेक्शन काटते हैं तो VLS कहते हैं, और ऐसे सेक्शन काटते हैं तो इसे VTS कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HLS की, हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की। हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम इस स्पोरोकार्प का काटते हैं तो ये पिडंकल के थ्रू या आप कह सकते हैं स्टाक के थ्रू करता है, और ऐसी स्थिति के अंदर इसके जो स्टाक होता है उसके अंदर वी शेप्ड जाइलम की दो स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पीटियोल के अंदर दिखाई देती हैं। और जो HLS काटते हैं उसके अंदर उस स्पोरोकार्प की वाल दिखाई देती है, जिलेटिनस रिंग दिखाई देती है, और इसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल मास दिखाई देता है जिलेटिनस रिंग का, एक साइड में इस तरफ और एक साइड में इस तरफ ये मास दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ के अंदर जो सोराई होती हैं ये अल्टरनेट अरेंजमेंट ऐसे एक दूसरे के अंदर कैंची भरी हुई दिखाई देती हैं दो कतार के रूप में, और जो हर एक सोरस होता है वो रिसेप्टेकल के रूप में होता है, जो जिसके शीर्ष के ऊपर देखें तो एक मेगा स्पोरेंजियम होती है और साइड के अंदर दो माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, और ये लेटरल बंडल भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। इस सेक्शन को आप देखें तो ये जैसे स्पोरोकार्प है और इस स्पोरोकार्प का ऐसे सेक्शन काटा हमने, और ऐसे सेक्शन काटने पर इसकी डायग्राम दिखाई दे रही है जिसके अंदर स्टाक बंडल जिसमें वी शेप्ड जाइलम की स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, सबसे बाहर की तरफ स्पोरोकार्प वाल दिखाई दे रही है और इसके नीचे की तरफ वही हाइपोडर्मिस और वही जिलेटिनस रिंग। ये जिलेटिनस रिंग का एक मास यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दूसरा मास यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इस तरफ ये बड़ा मांस दिखाई दे रहा है और इस तरफ ये छोटा मांस दिखाई दे रहा है, और अंदर की तरफ ये सोरस, ये ऐसे एक दूसरे के एकांतरित क्रम के अंदर हैं। और हर एक सोरस को आप अंदर से देखें तो हर एक के ऊपर बड़ी मेगा स्पोरिंजिया दिखाई दे रही है, हर एक के ऊपर बड़ी मेगा स्पोरिंजिया दिखाई दे रही है, और हर एक सोरस के अंदर साइड के अंदर दो छोटी छोटी माइक्रो स्पोरिंजिया दिखाई दे रही हैं, और हर एक सोरस चारों तरफ से दो लेयर से घिरा हुआ है, और इस लेयर को इंडूसियम के नाम से जानते हैं। और हर एक सोरस के अंदर वेस्कुलर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर लिटरल ब्रांच अंदर की तरफ एंटर होती है। तो इस प्रकार से HLS इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देन है VLS या वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब देखते हैं तो उस केस के अंदर जो स्पोरोकार्प होता है उसका लंबवत कट होता है, और ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर भी वॉल लेयर्स दिखाई देती हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर ये पिडंकल के लंबाई के अंदर ये सेक्शन आता है, और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल लॉन्गिट्यूडनली कट होता है, और इसके अंदर कंप्लीट जिलेटनस रिंग दिखाई देती है वर्टिकल रूप में, और इसके अंदर ये कंप्लीट दिखाई देती है, और इसके साथ साथ में इस सेक्शन को काटते हैं तो जो सोराई होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनली दिखाई देती हैं, जो मैनी वर्टिकल रोज के अंदर अरेंज्ड होती हैं। आप इस रूप में देखें इसके सेक्शन को तो ऐसे सेक्शन देखेंगे आप, इस प्रकार से सेक्शन आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ये स्पोरोकार्प है और इस स्पोरोकार्प का इधर से सेक्शन काटा, इधर से पेरिफ्री से काटा, सेंटर से काटा और फिर पेरिफ्री से काटा। यदि आपने ये सेक्शन इस पेरिफ्री से काटा है और इस पेरिफ्री से काटा है तो इस पेरिफ्री से सेक्शन काटेंगे तो उस सोरस के अंदर सिर्फ माइक्रोस्पोरिंजिया ही दिखाई देंगी, और यदि आपने सेंटर से सेक्शन काटा है, सेंटर के आसपास से काटा है तो इस स्थिति के अंदर इसमें मेगा स्पोरिंजिया ही दिखाई देंगी। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका सेक्शन हमने इस प्रकार से बताया है, और ये जैसे पेरिफ्री से सेक्शन है और इस पेरिफ्री से सेक्शन के अंदर यहाँ पर स्पोरोकार्प दिखाई दे रहा है, पिडंकल दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ ये स्पोरोकार्प की वाल दिखाई दे रही है, और इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरी की पूरी कंप्लीट जिलेटिनस रिंग दिखाई दे रही है, और इसके अंदर ये सोरस, ये पूरा सोरस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सोरस ये भी आपस में एक दूसरे से कैंची से भरे हुए हैं सोरस, लेकिन जो पीछे की तरफ सोरस है वो हमें कम दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ सोरस कंप्लीट दिखाई दे रहा है, और हर एक सोरस के अंदर आप देखेंगे ये छोटी छोटी स्पोरिंजिया, माइक्रो स्पोरिंजिया ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन यदि ये सोरस के सेंटर से सेक्शन कट रहा है तो इस केस में आप देख सकते हैं हर एक सोरस के अंदर ये बड़ी बड़ी स्पोरिंजिया दिखाई दे रही हैं, मीन्स मेगा स्पोरिंजिया ही दिखाई दे रही हैं। इसलिए यदि पेरिफ्री से सेक्शन आएगा तो इस प्रकार का, और सेंटर से सेक्शन आएगा तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस केस के अंदर अगला सेक्शन की बात करें हम, VTS या वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। इस रूप में इस स्पोरोकार्प का सेक्शन काटा जाए तो कैसा दिखाई देता है? ऐसी स्थिति के अंदर स्पोरोकार्प का सेक्शन होगा एक तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, इसके अंदर भी आपको वॉल लेयर्स दिखाई देंगी और इसके अंदर भी जिलेटिन की रिंग दिखाई देगी, लेकिन जिलेटिन की रिंग चारों तरफ दिखाई नहीं देगी, ऊपर और नीचे ये डॉर्सल और वेंट्रल मास के रूप में दिखाई देगी, और ये जिलेटिनस जो मास होगा वो डॉर्सल साइड में ज़्यादा बड़ा होगा और वेंट्रल साइड में ये छोटा होगा, और इस VTS के अंदर जो सोराई होंगे ये इंडूसिया से कवर्ड दिखाई देंगे, और इसमें सिर्फ उस सोरस की इनर साइड ही दिखाई देगी, और उस इनर साइड के अंदर ये सिर्फ प्लेसेंटा की रिज से अटैच्ड होते हुए दिखाई देंगे इनकी बाहरी साइड, और इसके अंदर जो सोराई होंगी उसके अंदर बहुत सारी मेगा स्पोरिंजिया दिखाई देंगी, सिर्फ ऊपर और नीचे दो या तीन माइक्रो स्पोरिंजिया इसके अंदर दिखाई देंगी, और इसके अंदर डॉर्सल बंडल भी दिखाई देगा, लेटरल बंडल भी दिखाई देंगे, प्लेसेंटल बंडल भी दिखाई देंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसके केस में ये स्पोरोकार्प, और इस स्पोरोकार्प के अंदर सबसे बाहर की तरफ वॉल लेयर है, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, देन इसके नीचे जिलेटिनस रिंग है, और इस जिलेटिनस रिंग में ये मास डॉर्सल साइड में बड़ा है और ये वेंट्रल साइड में छोटा है जिलेटिनस रिंग का, और इसमें
ये स्पोरोकार्प सोरस है, ये पूरा एक सोरस है, ये दूसरा सोरस है। इस सोरस में अंदर की तरफ ये मेगा स्पोरिंजिया दिखाई दे रही हैं और नीचे और ऊपर, यहाँ पर नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर सिर्फ माइक्रो स्पोरिंजिया दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से आपको तीन अलग अलग सेक्शन के अंदर इस स्पोरोकार्प की इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देन इसकी किस प्रकार की मोर्फोलॉजिकल नेचर है स्पोरोकार्प की, या स्पोरोकार्प किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। इस स्पोरोकार्प को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्पोरोकार्प एक तरह से लीफ का सेगमेंट है या लेमिना का सेगमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पोरोकार्प एक पीटियोलर है या पूरी की पूरी कंप्लीट लीफ ही स्पोरोकार्प के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसके बारे में ये दो प्रकार की हाइपोथेसिस हैं, जिसमें पहली हाइपोथेसिस जिसे लेमिनर लीफ सेगमेंट हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया है, ये थ्योरी कहती है कि स्पोरोकार्प इज ए लिटरल मॉडिफाइड फर्टाइल सेगमेंट है लीफ का, लिटरल मॉडिफाइड फर्टाइल लीफ सेगमेंट है। और इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से की है, जैसे रशोव 1872, बुजेन 1892 कहते हैं कि स्पोरोकार्प दो लीफलेट से मिलकर के बना है और दोनों लीफलेट की जो वेंट्रल सरफेस हैं, ये वेंट्रल सरफेस हैं, ये वेंट्रल सरफेस एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं, जिससे स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है। जियोबल 1902-1930 कहते हैं कि स्पोरोकार्प इज एज ए फर्टाइल लीफलेट, ये सिर्फ एक फर्टाइल पिन्ना है जिसको आप तुलना कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा लीफलेट से, कि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लीफलेट हैं जिनसे मिलकर के इस स्पोरोकार्प का निर्माण हुआ है। कैंपबेल 1893-1928-1940 कहते हैं कि स्पोरोकार्प एक फोल्डेड पिन्नेट लीफ है, फोल्डेड होगी है और पिन्नेट लीफ है जिसके अंदर आपस में बहुत सारे पिन्नी फेयर्स फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होने से इस प्रकार के स्पोरोकार्प का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बोवर 1926 कहते हैं कि स्पोरोकार्प का निर्माण रेचिस बीरिंग टू रोज ऑफ पिन्यूल से मिलने से हुआ है, जिसके अंदर जिस प्रकार से लीफलेट के अंदर वेनेशन दिखाई देता है ऐसा ही वेनेशन स्पोरोकार्प के अंदर दिखाई देता है। इसके साथ साथ में एम्स 1936 कहते हैं कि स्पोरोकार्प इज द टिप ऑफ द लीफ, कि लीफ का टिप है जिसमें चार लीफलेट्स होते हैं, और उनका मानना है कि स्पोरोकार्प की जो बॉडी है ये दो डिस्टिल लीफलेट हैं, दूर की तरफ जो लीफलेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, एंड रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोट्यूबरेंस, जो इसके ऊपर ट्यूबरकल्स निकल रहे हैं, फर्स्ट ट्यूबरकल और सेकंड ट्यूबरकल, वो रिमेनिंग टू प्रोक्सिमल लीफलेट को इंडिकेट करते हैं। ऐसे स्मथ 1938-1955 कहते हैं कि स्पोरोकार्प एज ए मॉडिफाइड पिन्ना है, रूपांतरित पिन्ना है, वन मिडरिब एंड सेवरल लेटरल ब्रांचेज, एक मिडरिब है और उससे बहुत सारी लेटरल ब्रांचेज निकल रही हैं, उसी का मॉडिफिकेशन है। साइमल्टेनियसली तख्ताजन 1953 कहते हैं कि स्पोरोकार्प एज ए मोर स्पेशलाइज फर्टाइल सेगमेंट, विशिष्ट प्रकार का फर्टिलाइज सेगमेंट है, किसका, ऑफ ए लीफ, लीफ का ही, जैसे सीजीएसी फैमिली के अंदर। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्मिथ कहता है कि ये इस प्रकार से लीफ है और इस लीफ के ये दोनों पोर्शन हैं और इन दोनों पोर्शन के अंदर ये सोरस डेवलप हो रहे हैं और ये सोरस डेवलप होकर के ये आउटग्रोथ इस सोरस को डकरी है, ये आउटग्रोथ इस सोरस को डकरी है और डक करके ये ऐसे हो करके और ऐसे फ्यूज हो गई है, ऐसे फ्यूज हो गई और फ्यूज हो जाने से ये सोरस अंदर की तरफ आ गए हैं और बाहर की तरफ वाल रह गई है। ऐसे ही यहाँ पर ईम्स व्यू कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति के अंदर ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं
और ये सॉरस अंदर की तरफ हैं जो ऐसे कैसे कॉम्पैक्ट होकर के इस स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पूरी और गर्ग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा पीटियोल है और इस पीटियोल से इस जगह पर लीफलेट अराइज हो रहे हैं, इस जगह पर लीफलेट अराइज हो रहे हैं और इन्हीं के ऊपर स्पोरोकार्प ऐसे कैसे फ्यूज हो जाता है और फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि इनकी जितनी संख्या होती है उतनी स्पोरोकार्प बनते जाते हैं और एंड में ये लीफलेट फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही बोवर्स का कहना है कि इस स्थिति में इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ऐसे बुजन का कहना है कि इस स्थिति में इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग लोगों का मानना है कि किस प्रकार से है। पूरी और गर्ग को हमने बात की कि स्पोरोकार्प इक्वलेंट टू अ सिंगल लीफलेट, सिर्फ एक ही लीफलेट के इक्वलेंट है, जो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी एज पिन्यूल्स एज द नंबर ऑफ लीफलेट बंडल्स, जितने लीफलेट बंडल होते हैं उतने इसके अंदर पिन्यूल होते हैं। गुप्ता के एम 1962 का कहना है कि स्पोरोकार्प टू बी लीफलेट विद एज मैनी लॉब्स, जितनी लोब्स होती हैं एक लीफलेट में उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर नंबर ऑफ लेटरल बंडल्स होते हैं और जो सोराई होते हैं ये मार्जिनली सिचुएटेड होते हैं डिप्रेशन के रूप में। और इसके लिए कई एविडेंसेस भी दिए हैं लोगों ने इस थ्योरी के लिए। जैसे एक एविडेंस कहता है कि इस स्पोरोकार्प जो इनिशियल है और लीफ इनिशियल यानी कि लीफ को बनाने वाली कोशिका और इस स्पोरोकार्प को बनाने वाली कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं ही टू साइडेड एपिकल सेल हैं और टू साइडेड एपिकल सेल होना ही इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस स्पोरोकार्प एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। ऐसे ही मार्सिलिया पॉलीकार्पा के अंदर 10 से लेकर के 15 तक इस स्पोरोकार्प बनते हैं और ये एक्रोपिटली सेक्शन के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे मैच्योर होता है और ऊपर यंग होता है, तो ये इसी इंडिकेशन को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिया कहता है कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग ऑफ पिडंकल हैं ये सिमिलर उसी प्रकार से जिस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ पिन्यूल्स होता है, ऐसे ही वैस्कुलर सप्लाई ऑफ जो स्पोरोकार्प होती है ये सेम उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से स्ट्राइल लीफलेट के अंदर देखें। ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा की प्रेजेंस हमने देखी है, हाइपोडर्मिस की प्रेजेंस हमने देखी है, पैरेन्काइमा की प्रेजेंस देखी हमने या एयर स्पेसिस देखी हैं, ये सभी कहते हैं कि इस स्पोरोकार्प का निर्माण एक तरह से लेमिनर हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। ऐसे ही लास्ट थ्योरी जिसे पीटियोलर और होल लीफ हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया है, जिसे जॉनसन 1933 ने प्रपोज किया है, उनका मानना है कि स्पोरोकार्प इज होमोलोगस टू स्वेलन एंड ऑफ द पीटियोल, पर्णव्रंत का फूला हुआ शीर्ष होता है उसकी जैसे होता है, जिस प्रकार से जो मार्जिनल सेल्स स्पोरिंजिया के लिए डेवलप होती हैं लेमिना के ऊपर उसके एविज के अंदर इस प्रकार की डेवलपमेंट होता है। और ये कहते हैं कि कभी कभी जो प्राइमरी स्पोरोकार्प प्रोड्यूस होते हैं उनसे ही सेकेंडरी स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे प्राइमरी देन सेकेंडरी इनिशियल मार्जिनल सेल्स बनती हैं जिसे प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी स्पोरोकार्प भी बन जाता है। इस प्रकार से आज के हम इस वीडियो में हमने मार्सिलिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज स्पोर्स के जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स का निर्माण कहाँ पर होता है, इस स्पोरोकार्प में होता है, इस स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल और इस स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजिकल नेचर किस प्रकार की है, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कोरोना काल में घर पर रहते हुए हमारे फेसबुक पेज ई कंटेंट के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर एन के बावलिया से और व्हाट्सएप ग्रुप से। धन्यवाद।